इस बीच पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर लाइव शो के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और पूर्व ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के ये दोनों खिलाड़ी लाइव शो में एक दूसरे से बहस करते दिखे। देखते ही देखते बात बढ़ गई। अहमद शहजाद शाहिद अफरीदी पर भड़क उठे। उन्होंने अफरीदी पर उन्हें टीम में मौके नहीं देने का आरोप लगाया। जब PSL में मुझे एक टीम लेना चाहती है तो कौन मना कर देता है? आप मुझे बताएं ना, रन्स कहां करूं, घर पे? अहमद शहजाद के ये तल्ख तेवर तब देखने को मिले जब शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो उन्हें पिच पर रन बनाते देखना चाहते हैं। लेकिन अफरीदी की यही बात शायद शहजाद को चुभ गई। अफरीदी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उन्होंने पूछ लिया कि जब कोई खेलने का मौका ही नहीं दे रहा तो रन क्या घर पर बैठकर बनाऊं? आप मुझे बताएं ना, रन्स कहां करूं, घर पे? दोनों के बीच ये बहस एक लाइव शो के दौरान चल रही थी। इस दौरान अहमद शहजाद ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर आरोप लगाया कि उनके अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद उन्हें पाकिस्तान की T20 लीग PSL में जानबूझकर मौका नहीं दिया गया। और इन सारी बातों की शुरुआत तब हुई जब शाहिद अफरीदी इस पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर यह कह रहे थे कि उन्होंने उनकी कप्तानी के दौरान अहमद शहजाद का काफी समर्थन किया था। जरूरी नहीं है कि हर मैच में ये परफॉर्म करता कर सकता, लेकिन मेरी वजह से इसको बाद में काफी टारगेट किया गया है। लेकिन ये बात शहजाद को ठीक नहीं लगी और उन्होंने काफी तीखे अंदाज में अफरीदी को इसका जवाब दिया। जो भी करना चाहते हैं, मुझे हर्ट होता है बिल्कुल, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सफाई दी गई कि दोनों क्रिकेटर बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। लेकिन बोर्ड का ऐसा जवाब तो पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया भर में फजीहत की वजह बन गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बोर्ड उनका मजाक बना रहा है।